आज आप लोगों के गांव सभी को नमस्ते। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रविवार है, आज आंगनवाड़ी कैसे खुल गया है ना। पर क्या होता है, महिलाओं के लिए कोई भी दिन छुट्टी है क्या? अभी छुट्टी नहीं होता पूरे। सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, हम लोगों को तो सुबह उठना ही उठना है और अपना घर का काम काज भी करना है और जो पशु अपन रखे हैं उसका भी देखभाल करना होता है। महिलाओं को कोई भी छुट्टी कभी नहीं, चाहे अपन बीमार भी होते हैं तो भी अपना दिल धड़कता है, अरे वो बेटा तो दूध नहीं पिया, अरे पति जी को तो हमने रोटी नहीं दिया और सास का हमने वो देखभाल ही नहीं रख पाए, ससुर जी का तो हमने उनको जो दूध चाहिए था वो दे नहीं पाए। और हमारे यहाँ जैसे ज्योति दीदी पहुँच गई, समझ लो बीमार भी है अपन, क्या ज्योति दीदी का अपन स्वागत नहीं करते क्या? करते हैं, ये सोचते हैं हमारी बीमारी तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ जो मेहमान आए हैं, क्योंकि अपने भारत देश में ये है कि मेहमान अतिथि भगवान स्वरूप होते हैं कि नहीं होते, तो आप क्या करते हैं? फिर आपके अंदर एक अलग ताकत आ जाती है। ज्योति दीदी आई और हमारे जिला अध्यक्ष जी नर्मदा दीदी आई, सोच के आप लोग उठते हैं, फिर उनकी सेवा सत्कार में लग जाते हैं। यही है महिलाओं का काम, कभी अपने को आराम नहीं मिलता। और जो महिला आराम करती है, जो महिला बिस्तर में पड़ी रहती है, काम नहीं करती है, वो घर की हालत भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पर जो महिला काम करती है, खूब मेहनत करती है, उसका घर कितना साफ सुथरा रहता है, कितना अच्छा रहता है। चाय पत्ती कहाँ रखना, चीनी कहाँ रखना, चीनी कब खत्म हो रहा है, चाय पत्ती कब खत्म हो रहा है, अनाज कितना रखा हुआ है, साल भर का अनाज कितना रखा हुआ है, और अनाज उनका अपन धूप आई तो उसको धूप दिखाना है, उसको रख लेना है, भरी बनाना है, पापड़ बनाना है, अचार बनाना है। अभी हमारी ज्योति दीदी रास्ते से फोन कर रही है, अरे अचार हमें भी चाहिए भाई 5 किलो। फिर नर्मदा जी कैसे दीदी का चाय हुआ इतनी समय पर, माने कितना बड़ा हो जाए, हम लोग अपनी घर के चीजों से दूर नहीं होते। घर ही है, परिवार ही है जो महिला बहुत अच्छा चलाते हुए राजनीति में भी है, आंगनबाड़ी की भी दीदी है, आप भी महिला बाल विकास के अधिकारी दीदी लोग भी है, और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े पदों पे लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया। आज रविवार है, आप लोग को दिक्कत होगा। फिर एक बात मन में आया, फिर वही बात, क्या रविवार क्या सोमवार, हम लोग को तो मिलना चाहिए आए हैं तो। तो दीदी ने आंगनबाड़ी केंद्र खोला, जो भी दीदी ने नर्मदा दीदी ने देने पे, आपको हम लोग ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। ये जो पोषण लिखा है ना, पोषण माने क्या है, दो प्रकार का भोजन होता है, एक क्या भोजन होता है, पेट भरना, भूख लगी है जो भी मिला खा लो जल्दी, क्योंकि पेट में चूहा कूद रहा है, बिल्ली कूद रहा है, सब कूद रहे, तो अपन सोचते हैं यार बहुत भूख लगी है, तो रास्ता चलते जो भी मिला वो अपन पेट में डाल देते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे पेट हमारे तो है, कुछ भी डाल लो, लेकिन कुछ भी पेट में जाता है तो पेट में जो ना भगवान बैठे हुए है ना, भगवान कहता है बताओ मैंने इन लोगों को इतना सुंदर जीवन दिया, आंख हमने दिया, नाक हमने दिया, मुंह हमने दिया, चेहरा सुंदर हमने बनाया, हाथ हमने बनाया, पांव हमने दिया, पेट हमने बना कर दिया, सब कुछ हमने बोलने का, चलने का, सोचने का सब कुछ, और सुंदर सुंदर बाल दिया, सब कुछ हमने दिया, लेकिन ये लोग मेरे साथ कितना अत्याचार कर रहे, जब भूख लगी तो डाल दिया धार धार धार, गप 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 खा लिया चार चार रोटी, काम पे चले गए, क्योंकि अपने पास समय नहीं होता। इसीलिए आप लोग को ये कहने के लिए आए हैं, इनके अंदर का विराजमान भगवान कह रहे हैं प्लीज हमें भी कुछ अच्छा खाना खिला दो। वो ये नहीं कह रहे मैं बर्गर पिज्जा पास्ता जो आजकल बाहर चलता है वो खिलाओ, नहीं कह रहे, वो कह रहे हमें अच्छी सी रोटी दे दो
उसमें यदि गाय भैंस घर में तो मक्खन लगा के दे दो और घर में गुड़ होता है तो गुड़ खिला दो और घर में अमरूद लगा है तो वो अमरूद हमें खिला दो जिसको जामफल कहते हैं ठीक है ना। और कह रहे हैं आपके दिन में पौधों कुटकी होता है तो कह रहे हमें पौधों कुटकी का बिस्कुट खिला दो, पौधों कुटकी का रोटी खिला दो और मिठाइयाँ भी उसका बनाकर खिला दो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी कोरोना में अपन ने सबने देखा कोरोना में कितना बीमार हो गए। अच्छा खाना जो खाए थे ना वो लोग बीमार नहीं हुए, अभी कम लोग आपके क्षेत्र में बीमार हुए हैं। दिल्ली बम्बई बड़े बड़े शहरों में ना लोग बीमार होके भगवान के पास चले गए। ठीक है, आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहने के लिए एक ही चीज है, जो भी हम लोग खाने का पहले हाथ बच्चों को भी धुलवा रहे यही है। गलत चीज डालेंगे भगवान नाराज हो जाते है ना, तो वो कह रहे साफ सुथरा 10 मिनट हमको टाइम दे दो। भगवान कह रहे भोजन के पूर्व हाथ अच्छे से धोना है, नाखून साफ करके रखना है। ठीक है, थाली जिसमें खा रहे हैं पन्नी में ना खाओ, प्लास्टिक में ना खाओ। क्या कह रहे हैं? जो थर्माकोल का सुंदर सुंदर पैक दिखता है ना, कह रहे भगवान उसमें गरम खाना ना खिलाओ, नहीं तो मेरे पेट में केमिकल चले जाते हैं, मैं मर जाता हूँ, मुझे पेट दुखता है, भगवान कह रहे हैं। तो अपने को थर्माकोल की प्लेट में मना कर रहे हो, प्लास्टिक में जो चाय गरम गरम लेकर आते कह रहे भगवान ना पियो, नहीं तो मैं बहुत जल जाता हूँ, पन्नी मेरे अंदर जाता है, मैं फिर सबको आशीर्वाद नहीं दे पाता, भगवान कह रहे। इसीलिए कह रहे आप लोग अपनी थाली जो होती है, पहले तो कांसा की थालियाँ होती थी, फूल की थाली होती थी, कभी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता था, केले के पत्ते में लोग खाते थे, पतरी में खाते थे खाना, लेकिन आज फैशन क्या आ गया, लगाओ थर्माकोल का प्लेट खाओ फेंको, क्या पोषण। अपन अच्छी चीज को गंदी चीजों के माध्यम से खा रहे थे, पेट खराब। ठीक है, ये पोषण कहते हैं भोजन के पूर्व पांव धुलना है, हाथ से ज्यादा जरूरी। भोजन में आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े घरों में कहते पांव धुल के आ जाओ भोजन देते, अपन सोचते खाने के पहले पांव से क्या काम है भाई, हाथ से खाना है हाथ धुलो, नहीं कहते क्या कहा हुआ पांव धुल के आओ, क्योंकि पांव ठंडा होना चाहिए। भोजन के पूर्व बैठे हाथ धुल लिया, कल हम गए थे दीदी ने एक जगह भोजन की व्यवस्था की, इतना अच्छा भोजन प्रसाद बना, कंडा में बना था बाटी भरता में खिला दिया, हाथ अच्छे से धुलवा दिए। अपनी परंपराएं हाथ धुला, भोजन करने के पहले एक सेकेंड वो परमात्मा को याद करना जिन्होंने अन्न उग कर दिया, उगा कर दिया। भगवान को जैसे याद करते हैं आपकी थाली में जो भी होगा वो खाना भोजन से प्रसाद हो जाता है ना, प्रसाद इतना भी खाइए पेट भर जाता है। अच्छे से भोजन किया, थोड़ी देर आप लोग बैठे, बैठने के बाद फिर काम में लग गए। यदि समय मिला दोपहर को थोड़ा बाएं तरफ करवट लिया तो जितना आपने खाना खाया वो उथल पुथल होकर बढ़िया पच जाता है। आराम करने को टाइम नहीं मिला, थोड़ी देर शांति से बैठे फिर अपना बाद में पानी पिया तो पेट को लगता है। पोषण करते हुए सही समय पर सही भोजन सुंदर ढंग से अच्छे शांत मन से जो खाते हैं और जिससे पोषक तत्व अपने को मिलता है। पोषक तत्व माने क्या, अलग अलग है वो अपने को जरूरत है। जैसे लोग कहते हैं ना इसमें भैया मिठास ज्यादा है, इसमें भैया तेल ज्यादा है, इसमें भैया कड़वापन है, तो हर चीज में एक ना एक पोषक तत्व है। और अपन भाजी खाते तो अलग पोषक तत्व, दाल खाते वो अलग देता है, चावल है अलग देता है, समझ गए, रोटी अलग है। इतना ही आप लोग से निवेदन है, बच्चों को आपका समय तो गुजर गया, आंगनवाड़ी भेजते हैं सोच के भेजिए अच्छे से हाथ वाथ साफ करके, साफ सुथरा आंखें हो बाल साफ सुथरा हो, बचपन से जो आदत आई वो आगे अच्छा होगा। इतने कहने के लिए आप लोग के बीच में आए, आप लोग सब बहुत स्वस्थ रहिए प्रसन्न रहिए। आज हम दीदियों को थैंक्यू कहते हैं कि आप लोग का दर्शन हुआ, आंगनबाड़ी दीदियों का सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार हम लोग ये सब काम माननीय मोदी जी को जानते ना सब लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कह रहे हैं महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो हमारा देश स्वस्थ होगा, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर आए।
आप लोगों को अन्न की कमी ना पड़े, तो अन्न योजना हो गया। आवास किसी का गड़बड़े, जिनको आवास मिलता है सुसुम से रह गए। और जहाँ पर गैस का था, गैस देके लोगों को मदद किया। और जिनको उद्योग धंधा करना है, जैसा भी आपके यहाँ का बेकरी है, इतना अच्छा है, जिनको भी उद्योग धंधा करना है उनको पैसा, ऐसे बहुत सारी चीजें मोदी जी कर रहे। शिवराज भैया तो लाडली बहना कर ही दिया, कितनों को मिला लाडली बहना? हाथ उठाइए, कितनों को मिला लाडली बहना? वेरी गुड। तो शिवराज भैया को आगे भी जो है वो कह रहे हैं, देखिए अपन भी बेटी का शादी जब करते थोड़ा देते पहले, बाद में बेटी आती जाती तो अपन देते रहते ना। तो आपके शिवराज भैया भी ऐसे ही, पहले 1,000 दिया, आगे कह रहे 3,000 तक का उनको दे दी। तो शिवराज भैया की जय, माननीय मोदी जी की जय, आप सबकी जय।